1.4 में आपसे क्या कहा गया कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब आपको डिवाइड करके नहीं पता, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एक टाइम बाद इसका मतलब एक टाइम बाद उसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, मतलब उसका एक टाइम बाद रिमाइंडर क्या जाना है जीरो। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा उसका कभी भी डिवाइड जीरो नहीं आएगा। तो आपसे अब हम डिवाइड तो कर लेते लेकिन ये डिवाइड कहाँ से करें, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया आपको, पहला क्वेश्चन दिया 13/3125 और एक क्वेश्चन दिया आपको 17/8 और एक क्वेश्चन दिया आपको 64/455। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन के बेसिस पे आप समझ जाएंगे इसका पूरा कंसेप्ट जो पहले तीन क्वेश्चन दिए। एक चौथा क्वेश्चन भी ले ही लेते हैं इसमें ताकि आपको दो दो क्वेश्चन हो जाएंगे 15/1600। ये चार क्वेश्चन के बेसिस में आप बिना डिवाइड परफॉर्म करें आप बताना है आपको कि ये टर्मिनेटिंग बंदा है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बहुत सिंपल हमें पता, अगर हम किसी भी जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर को आप क्या करो 2 की पावर और 5 की पावर अगर जिसमें भी है, ये m मान लो इसको n मान लो, अगर जिसमें भी आपकी 2 की पावर और 5 की पावर के रेस्ट नंबर बन रहे हैं तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा अगर और कोई के बन जाते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। या तो मतलब जैसे 2 की पावर है तो 5 की पावर है, एम की पावर चाहे जीरो हो, मीन्स जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 के हों, अगर 5 के भी ओनली होंगे तो भी वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर सिर्फ 2 के ओनली फैक्टर होंगे तो भी वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या 2 और 5 के होंगे तो भी वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर 2 का भी है 5 का भी और 3 का हो जाए तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 7 का हो जाए तो भी वो नॉन, मतलब 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर का हो जाए भले से ये हो या नहीं हो तो भी वो क्या कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जैसे मैं इसका करके देखता हूं 3125 के फैक्टर करूंगा मैं, तो 5 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 6 30 कैरी आई 1 हो गया 12, 5 2 5 5 25, 5 से दूंगा 5 1 5 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से दूंगा 5 2 5, फिर 5 से दूंगा और फिर 5 से 1, तो आप 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 0 और 5 की पावर कितनी है 4, तो या इट्स टर्मिनेटिंग, यस ये आपका टर्मिनेटिंग होगा ये क्वेश्चन। क्या होगा ये, क्योंकि मैंने ये आपसे बोला है या तो 2 के फैक्टर हों या 5 के फैक्टर हों या दोनों के साथ में हो, बस इनके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो इसमें किसके से 5 के फैक्टर हैं, यस ये टर्मिनेटिंग है, मतलब एक टाइम बाद इसका रिमाइंडर क्या जाएगा जीरो आ जाएगा। सेकेंड देखें 8 लिखा है, तो 8 का मैं अगर फैक्टर करूँगा 2 से 2 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो यहाँ पे आप देखें 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अब इस पे आते हैं थर्ड वाले पे, तो यहाँ पे 4 5 5 5 से है तो ऑब्वियस मैं 5 से ही देख के देख लेता हूँ, 5 9 45, 5 1 5, ऑब्वियस ही बात है 91 आ गया, तो 3 से तो ये 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से 7 से जाएगा, आई थिंक 7 से जाएगा, 7 1 7 कितना बचा 2, तो 7 3 और ये 13 1 13, तो आप ध्यान से देखें 5 का फैक्टर 1 है, 7 का 1 है और 13 का ही 1 है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या था कि या तो 2 का फैक्टर हो या 5 का हो या दोनों का हो, इनके अलावा किसी और का नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो ये नो आ गया, क्यों, बिकॉज इसका कभी भी आंसर क्या नहीं आने वाला जीरो, रिमाइंडर नहीं आना, रिपीट होता रहेगा, रेकरिंग नंबर है ये। 1600 का कर लेंगे, तो ये 2 से जाएगा तो 2 8 800, फिर 2 से दूंगा 400, फिर 2 से दूंगा 200, फिर 2 से दूंगा 100, फिर 2 से दूंगा 50, फिर 2 से दूंगा 25, फिर 5 से दूंगा 5 5, तो ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, ओनली 2 और 6 का ही आ रहा है, दैट मीन यस ये आपका टर्मिनेटिंग है, यस ये है। तो सिर्फ कौन नहीं था ये, क्योंकि इसमें 5 5 तो आ रहा है मान रहे हैं, लेकिन आपका 7 और 13 भी आ रहा है, सिर्फ कितना आना चाहिए, अगेन रिपीट 2 और 5 ओनली, या तो 2 के ओनली आ जाएं या तो 5 के ओनली आ जाएं या दोनों के आ जाएं, इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बाकी सब क्या कहलाएंगे आपके
जैसे मैंने इसको किया, ये भी टर्मिनेटिंग का, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 का फैक्टर था, इसमें क्या सिर्फ 2 का फैक्टर था, इसमें किया तो 5 का भी है, 7 का भी, 13 का, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसका किया तो ये 2 और 5 का, तो यस ऑब्वियसली आपका टर्मिनेटिंग हुआ। अब ऐसे आगे के जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। उसका सिंपल आपको क्या देखना है, 2 और 5 के, अगर 2 और 5 के बाद कोई सा भी फैक्टर, चाहे 3, 5, कुछ भी, व्हाटएवर, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, सब क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो पूरी क्या हो गई आपकी, फिनिश हो गई, क्योंकि इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, सभी का यही कंसेप्ट है। ठीक है, आगे समझ में, वेरी गुड, नोट कर लीजिए। और आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।